134 जो है हमारा आर्टिकल वो है क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन कॉल्ड टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट्स। मिसाल के तौर पर कोई रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में से हम अगर कोई डॉक्यूमेंट मंगवाते हैं थ्रू कोर्ट, वो आएगा बंदा तो वो सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड पेश करेगा। ठीक है, रिकॉर्ड पेश करने वाले शख्स का काम ऐसे ही होता है जैसे एक मैसेंजर का काम होता है। अगर वो शख्स कोई जो है ऑफिशियल जो उनका रिकॉर्ड है वो किसी एक को एज ए एजेंट भेजते हैं कोई भी ऑफिशियल्स, तो जैसे क्लर्क को भेज दिया जाता है कि आप चलें ये रिकॉर्ड ले जाएं और कोर्ट में प्रोड्यूस कर दें। अगर तो किसी जिम्मेदार ऑफिसर को बुलाया जाएगा कोर्ट के थ्रू कि वो रिकॉर्ड लेकर आए, तो उसके अंदर फिर सिचुएशन ये होती है कि वो बंदा जो होता है फिर वो उसको क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन के ऊपर है तो फिर उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स आता है जिसकी जो है रिकॉर्ड को मेंटेन करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, वो बींग अ क्लर्क जो है उसको भेजा गया है कि वो रिकॉर्ड आए और सिंपली कोर्ट में प्रोड्यूस कर दे, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जाता। अ पर्सन समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट डज नॉट बिकम अ विटनेस बाय मेयर फैक्ट दैट ही प्रोड्यूस इट एंड कैन नॉट बी क्रॉस एग्जामिन अनलेस एंड अनटिल ही इज कॉल्ड एज अ विटनेस। यानी अगर एज अ विटनेस किसी को कॉल किया गया, जैसे मुख्तियार कार को एज अ विटनेस कॉल करते हैं और फिर उसको डायरेक्शन होती है साथ में कि वो सारे रिकॉर्ड्स भी लेकर आए, तो फिर क्या होगा, फिर हम उसको क्रॉस एग्जामिन भी करेंगे और उसका एग्जामिनेशन इन चीफ भी होगा। लेकिन अगर जैसे हाई कोर्ट क्या करती है कि कभी कभी किसी भी जो है वो डिपार्टमेंट से कोई रिकॉर्ड कॉल कर लेती है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई अपॉइंटमेंट सूची हुई होती है तो अगर उनका उसका प्रोसेस चैलेंज हो जाता है तो उसके अंदर कोर्ट क्या करती है कि वहां से उस पूरी जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है उसके सारे डॉक्यूमेंट कॉल कर लेती है। या मिसाल के तौर पर अगर कोई होता है कि जनाब कोई क्लेम करता है कि उसमें जो है वो हाई कोर्ट के अंदर कि फलां जगह रिकॉर्ड में ये चीज मौजूद है और मुझे जो है मेरा राइट नहीं मिल रहा, ऐसी सूरत हाल में कोर्ट क्या करती है कि रिकॉर्ड कॉल कर दी। ऐसी जब कभी भी इस तरह से रिकॉर्ड कॉल किया जाता है और किसी खास जो है वो जिम्मेदार बंदे को उसके साथ नहीं बुलाया जाता, तो वो उस बंदे का जो रिकॉर्ड लेकर आता है लाइक मैसेंजर उसका काम होता है, तो वो सिर्फ लाकर रिकॉर्ड सिंपली पेश करेगा, उसका कोई क्रॉस एग्जामिनेशन जो है वो नहीं होता है। अगर हम किसी शख्स को एज अ विटनेस कॉल करेंगे और फिर उससे रिकॉर्ड भी कॉल करेंगे तो फिर ऐसी सूरत हाल में उसको क्रॉस एग्जामिन किया जा सकेगा। लेकिन खाली अगर सिर्फ और सिर्फ मेयरली जो है वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए किसी को कॉल किया जाता है तो फिर उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस बंदे की जो जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लाइक एक मैसेंजर या फिर एक डाकिये की तरह होती है। यानी उसने ऑफिस से एक रिकॉर्ड उठाया, उसने जाके कोर्ट में दे दिया, बस उसकी इतना काम होता है, उसे रिकॉर्ड रिसीव कर लेते हैं, उसको रिसीविंग दे देते हैं बस। अच्छा, 135 हमारा आर्टिकल है विटनेस टू कैरेक्टर। अब देखें कैरेक्टर जो है सिविल केसेस में इररिलेवेंट है। सिविल केसेस में किस तरह इररिलेवेंट है, अगर कोई शख्स बैड कैरेक्टर का है लेकिन उसका राइट एग्जिस्ट करता है तो उसका राइट उसको मिलेगा, उसके कैरेक्टर के अच्छे या बुरे होने से उसके राइट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, अगर किसी की इनहेरिटेंस के जरिए कोई प्रॉपर्टी बनती है या किसी ने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, बेशक वो आदि मुजरिम हो, बेशक वो डाकू हो, चोर हो, कोई भी हो, तो जो उसका राइट है वो उसको मिलेगा। और इस तरीके से उसका अगर कोई कैरेक्टर लाके कोर्ट में गलत साबित करने की कोशिश करेगा तो ऐसी सूरत हाल में कैरेक्टर इररिलेवेंट हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है, लाइक जैसे चाइल्ड कस्टडी के केस में जो है, गार्जियन वाले केस में, गार्जियन वार्ड एक्ट के अंदर अगर किसी के लिए किसी को गार्जियन अपॉइंट किया जा रहा होता है किसी भी बंदे को, तो ऐसी सूरत हाल में उस बंदे का जो है वो कैरेक्टर बहुत रिलेवेंट होता है और उसको कोर्ट जो है वो अपनी नजर में रखती है। या फिर मिसाल के तौर पर अगर कोई क्रिमिनल केस होता है, क्रिमिनल केसेस के अंदर कैरेक्टर रिलेवेंट होता है, किसी भी शख्स को इनोसेंट या किसी को जो है वो अक्यूज या फिर लाइक क्रिमिनल जो है प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए जो है वहां पर कैरेक्टर रिलेवेंट होता है। अब कैरेक्टर जो है वो किसी का अगर कोई आ गया है बंदा कोर्ट में कहने के लिए कि भाई फलां शख्स जो है वो है दैट पर्सन हैज अ बैड कैरेक्टर या दैट पर्सन हैज अ गुड कैरेक्टर, तो वो उसका पूरा जो है पर्सनैलिटी के ऊपर उसके उस बात का इफेक्ट पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशन में उसको क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा कोर्ट के अंदर। अच्छा, अब इसमें वो यही कह रहा है आर्टिकल 135 में भी, विटनेस टू कैरेक्टर मे बी क्रॉस एग्जामिन एंड री एग्जामिन।
यानी अगर उसको दोबारा बुलाना पड़ेगा तो दोबारा भी बुलाकर अगर री एग्जामिन करने की जरूरत पड़ेगी तो री एग्जामिन भी किया जा सकता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं लीडिंग क्वेश्चंस की। व्हाट आर द लीडिंग क्वेश्चंस? लीडिंग क्वेश्चंस आर दोज क्वेश्चन, ये वो सवाल होते हैं जो किसी किस्म की कोई जो है सिचुएशन सजेस्ट कर रहे होते हैं, जो किसी किस्म के किसी फैक्ट्स को सजेस्ट कर रहे होते हैं, जिसमें सिर्फ यस और नो का जवाब देने से सिंपली जो है कोई बात या तो जो है वो ऑन द रिकॉर्ड प्रूव हो जाती है या फिर डिसप्रूव हो जाती है। जैसे अगर किसी को कहा जाए कि फलां टाइम फलां जगह पे आप जो है वो मौजूद थे और आपने क्या रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे या नहीं पहने हुए थे, अब वो शख्स अगर कहता है कि मैंने नहीं पहने हुए थे, तब भी वो उसका आंसर जो है अगर देता है तो इससे ये प्रूव हो जाएगा कि वो वहां मौजूद था। यानी हम कहते हैं कि आप जो है जब कभी रोड के किनारे फला जो है पुलिस लाइन के अंदर खड़े हुए थे या पुलिस हेडक्वार्टर के सामने खड़े हुए थे तो आपने जो है वो रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे या फाइव जो है ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे। अब अगर वो शख्स कहता है कि मैंने ब्लैक कलर के कपड़े तो नहीं पहने, तो इसका मतलब भी यही निकलता है कि वो उस वक्त वहां मौजूद था। या अगर हम कहते हैं कि आपने जो है वो वहां पर जब आप खड़े हुए थे तो आपने फला से बात की थी, अब इससे दोनों बातों से अगर वो नहीं कहता है तब भी वो उससे प्रूफ होता है कि वो वहां मौजूद था और उसने ब्लैक कपड़े नहीं पहने हुए थे या उसने फला से बात नहीं की थी। तो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर विच सजेस्ट एनीथिंग, यानी जो एक बात को प्रूफ कर रहे हैं कि वो शख्स वहां मौजूद था या उसने ये हरकत की या नहीं की, लेकिन उसकी मौजूदगी प्रूव हो रही है, अगर वो यस करता है तब भी, अगर वो नो करता है तब भी। तो इस तरह के लीडिंग क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जामिनेशन चीफ में अलाउड नहीं होते। हाँ, क्रॉस एग्जामिनेशन के दरमियान, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो अदर साइड का जो एडवोकेट होता है या डिफेंस काउंसिल है, उसका काम यही है कि वो अपने क्लाइंट को इनोसेंट प्रूव करे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर वो चाहे तो लीडिंग क्वेश्चंस पुट अप कर सकता है। अगर वो चाहता है कि ये प्रूव कर दे कि ये शख्स तो वहां मौजूद ही नहीं था, कहीं और उस टाइम पे मौजूद था और यहाँ आकर ये जो है विटनेस दे रहा है कि मेरे सामने ये क्राइम हुआ है, ऐसी सूरत हाल में उसको अगर हम कहेंगे कि भाई आप तो फला जगह मौजूद थे इस टाइम में और फला तारीख को और वहां पर आप जो है वो फला से बात कर रहे थे, तो वो कहता है कि नहीं मैं उससे बात नहीं कर रहा था, तब भी प्रूफ हो जाएगा कि ये बंदा वहां मौजूद था। अगर वो कहता है कि हाँ मैंने बात की थी लेकिन उससे फला बात की थी, तब भी ये प्रूफ हो जाएगा कि ये बंदा उस वक्त प्लेस ऑफ इंसिडेंट पे नहीं था। तो इस तरह की चीजें जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में अलाउड है। अगर कोई रिलेवेंट क्वेश्चन आता है तो फिर वो कोर्ट उसको अलाउ या डिसअलाउ करने का इख्तियार रखती है। अब आर्टिकल 136 कहता है कि लीडिंग क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन सजेस्ट दैट आंसर व्हिच द पर्सन पुटिंग इट विशेस टू एक्सपेक्ट टू रिसीव इज कॉल्ड लीडिंग क्वेश्चन। यानी जिसमें हम जो है वो कोई एक वाक्य सजेस्ट कर रहे हैं या कोई एक फैक्ट सजेस्ट कर रहे हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यस और नो दोनों में जवाब अगर वो किसी भी तरह देगा, तब भी हमारी बात जो है वो ऑन द रिकॉर्ड आ जाएगी कि जो हमने बात कही है वो ठीक है। अच्छा, 137 कह रहा है व्हेन लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट बी आस्क्ड। अब कब इसको आप लीडिंग क्वेश्चंस को ये कर सकता है एडवोकेट और कब नहीं कर सकता? लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड बाय द एडवर्स पार्टी बी आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन इन चीफ और इन री एग्जामिनेशन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। सिर्फ लीडिंग क्वेश्चन एग्जामिनेशन चीफ या री एग्जामिनेशन में बाय पार्टी हु कॉल्ड द विटनेस हो सकते हैं जब अगर वो होस्टाइल हो जाता है। अगर वो अपनी स्टेटमेंट के ऊपर अफर्म्ड है तो फिर उसे लीडिंग क्वेश्चंस न करने की परमिशन कोर्ट नहीं देती है। कोर्ट से परमिशन लेकर लीडिंग क्वेश्चंस किए जा सकते हैं, लेकिन कब किए जा सकते हैं? जब कभी भी जो है वो आपका विटनेस अगर होस्टाइल हो जाता है। तो अगर विटनेस होस्टाइल नहीं है तो फिर उससे एग्जामिनेशन चीफ में लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। लीडिंग क्वेश्चंस सिर्फ क्रॉस एग्जामिनेशन में अलाउड होते हैं। नंबर टू में कह रहा है सब क्लास में द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चन एज टू मैटर विच आर इंट्रोडक्टरी और अनडिस्प्यूटेड और विच हैव इन इट्स ओपिनियन बीन ऑलरेडी सफिशियंटली प्रूव्ड। अब ये कह रहा है कि जो अगर किसी भी ऐसे वाक्य के बारे में, किसी भी ऐसी चीज के बारे में लीडिंग क्वेश्चन है जो ऑलरेडी या तो प्रूव हो चुका है या फिर वो जो है मैटर से बिल्कुल जो है मैटर के अंदर ही मौजूद है, उस मैटर पे डिपेंड कर रहा है। यानी ऐसा लीडिंग क्वेश्चन जिसका ताल्लुक बहुत ज्यादा जो है वो वाक्य के साथ है,
उसके अंदर लीडिंग क्वेश्चंस पूछने की इजाजत होती है, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में इजाजत है, उसमें जर्नल परमिशन है, लेकिन इररिलेवेंट अगर होगा तो कोर्ट ऑब्जेक्शन कर सकती है। अच्छा, एग्जामिनेशन चीफ के अंदर ये शर्त है, अगर अदर साइड आपको नहीं ऑब्जेक्ट करती तो तब आप कर लेते हैं, तो आपका लीडिंग क्वेश्चन जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन सॉरी लीडिंग क्वेश्चन में जो आप कर लेते हैं तो वो आपका रिकॉर्ड पे आ जाता है। अच्छा, 138 आर्टिकल कहता है व्हेन लीडिंग क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड, लीडिंग क्वेश्चन मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। वही बात जो अभी हम थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि लीडिंग क्वेश्चंस जो है हमेशा, क्योंकि वहां पर डिसप्रूव करना पर्पस होता है जो है वो डिफेंस काउंसिल का, तो ये हमेशा क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, चीफ में इनको पूछने की परमिशन नहीं होती। अगर आपका विटनेस हॉस्टाइल हो जाता है तो फिर आपको कोर्ट परमिशन देती है कि अब आप इससे जो है वो लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि तब आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। अब हमारे पास आर्टिकल 139 कहता है एविडेंस एज टू मैटर इन राइटिंग, अगर कोई भी हमारे पास रिटन के अंदर डॉक्यूमेंट मौजूद है, कोई भी मैटर जो उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ है, अगर उसको प्रूव करने की बात आएगी तो फिर क्या करेंगे हम, एनी विटनेस मे बी आस्क्ड व्हिल्स्ट अंडर एग्जामिनेशन वेदर एनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी एज टू विच ही इज गिविंग एविडेंस वॉज नॉट कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट एंड इफ ही से इट वॉज इफ ही इज अबाउट टू मेक एनी स्टेटमेंट as to the content of any document which in the opinion of the court ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced or until fact that have been proved with which entitle the party who called the witness to give secondary evidence of it। अब यहाँ बात हो रही है कि अगर कोई शख्स किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट के बारे में एविडेंस देने आता है कि फला रिटन डॉक्यूमेंट में ये बात लिखी हुई थी और फला रिटन डॉक्यूमेंट में ये बात लिखी हुई, उसके लिए सबसे पहली बात क्या है, उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि वो शख्स जिस डॉक्यूमेंट के बारे में एविडेंस रिकॉर्ड करवा रहा है, सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में लेकर आए। अगर वो उस डॉक्यूमेंट को नहीं लेकर आता, उसके कंटेंट के ऊपर उसकी स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड की जा सकती। और अगर वो किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में जो है वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में ही मस्ट हैव द कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, या तो उसकी सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर यानी उसकी फोटोकॉपी या सर्टिफाइड कॉपी, कुछ ना कुछ उसके पास मौजूद होना चाहिए जिससे ये पता लग सके कि वो आया कि डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट कर भी रहा है या नहीं। अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर बात आएगी उसके प्रूव या डिसप्रूव होने की, या उसके कंटेंट की बात आएगी। अगर कोई शख्स उसका अटेस्टिंग विटनेस है और वो उस डॉक्यूमेंट के बारे में कह रहा है कि वो उस डॉक्यूमेंट का मैं अटेस्टेड विटनेस हूँ फला कॉन्ट्रैक्ट का, और फला कॉन्ट्रैक्ट में ये जो है कंडीशंस थी, तो सबसे पहली बात ये है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑन द रिकॉर्ड लाएगा कि हाँ ये रहा वो डॉक्यूमेंट जिसमें ये बात लिखी हुई है। अदरवाइज जो है वो अदर साइड की पार्टी को ये पूरा राइट होगा एडवर्स पार्टी को कि वो ऑब्जेक्ट कर सकता है, कर सकते हैं कि जनाब जिस बात की एविडेंस दे रहा है पहले वो डॉक्यूमेंट तो लेकर आए ऑन द रिकॉर्ड, ये डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है और ये उसके बारे में बात कर रहा है। और अगर वो केस से रिलेवेंट है, कोर्ट उसको डायरेक्शन देगी कि जनाब आप सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए, उसके बाद जो है आपकी एविडेंस जो है वो इस टॉपिक पे हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, 139 हमारा। अच्छा, या 139 तक समझ आ गया आप लोगों को? जी, अब वन थर्टी yes, ma'am। अच्छा, फिर 140 पढ़ते हैं हम, क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने अपनी कोई स्टेटमेंट किसी मैटर से रिलेवेंट इन हैंड राइटिंग लिखकर दे दी है और उसकी रिटर्न में जमा हुई है, या अपनी स्टेटमेंट एक लिखत में जमा करा चुका है बंदा, तो उसके लिए क्या वो उसको जो है वो प्रूफ या डिसप्रूफ करने के लिए कोर्ट में उसकी स्टेटमेंट के दरमियान उसके ऊपर क्रॉस हो सकता है या नहीं? A witness may be cross examined as to the previous statement made by him in writing or reduced into writing and relevant to matter in question without such writing being shown to him or being proved
but if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him. यानी अगर कोई शख्स अपनी कोई स्टेटमेंट पहले रिकॉर्ड करा चुका है या लिखत में जमा करवा चुका है, फिर वो कोर्ट में आकर अपनी स्टेटमेंट सेम उसी स्टेटमेंट के ऊपर कायम रहता है, तो फिर तो पहले उसको अपनी स्टेटमेंट प्रूव या डिसप्रूव करनी पड़ेगी जो वो स्टेटमेंट कोर्ट में दे रहा है, जो उसने पहले लिखत में दी थी. उसकी जो रिटन के अंदर स्टेटमेंट ऑलरेडी रिकॉर्ड में मौजूद है, अगर उसकी स्टेटमेंट उससे जो है वो बिट्रे करती है, यानी उससे जो है वो डाइवर्ट हो जाती है दाएं या बाएं, उससे वो पटरी से उतर जाता है और कुछ और ही एविडेंस दिए देने शुरू कर देता है, तो ऐसी सूरत हाल में एडवर्स पार्टी को ये राइट है कि वो उसकी लिखत में जो रिटन में उसकी स्टेटमेंट है उसकी कॉपी ले और उसके वो पार्ट जहां जहां उसने जो है इम्प्रूवमेंट्स किए हैं, जहां जहां उसने अपनी स्टेटमेंट चेंज किए, उन तमाम पार्ट्स को जो है वो उठा करके उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए उससे क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकती है. अब क्रॉस एग्जामिनेशन जब वो करेंगे तो सबसे पहली जो शर्त आएगी वो ये होगी, जो रिटन डॉक्यूमेंट, जो रिटन स्टेटमेंट उस बंदे ने दी है, वो उस जो है उसके अंदर जो स्टेटमेंट उसकी लिखी हुई है, जो वाक्य उसने लिखा है, जो बताया है पहले खुद या फिर लिखवाया है किसी से, तो वो जो कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दे रहा है वो अगर आपस में दोनों क्लैश कर जाते हैं, फिर तो ऑब्वियसली उससे टोटल क्रॉस जो है वो चीफ में भी क्रॉस किया जा सकेगा. चीफ जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि वो होस्टाइल हो चुका होगा विटनेस, उसकी स्टेटमेंट अगर बिट्रे हो जाती है तो. अगर वो उसमें इम्प्रूवमेंट्स या इंक्रीमेंट वो करता है, चेंजिंग करता है अपनी सिंपल किसी एक जैसे टाइमिंग के मुताबिक या डेट के मुताबिक कोई चेंजिंग लाता है, कोई इम्प्रूवमेंट्स लाता है, तो फिर उसको सिर्फ अदर साइड का एडवोकेट क्रॉस कर सकता है और उसकी पुरानी स्टेटमेंट को उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए उसको यूटिलाइज किया जा सकता है. अच्छा, मेरे ख्याल में आज तक के लिए इतना ही काफी है, फिर नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह. ये 140 तक समझ में आ गया है सबको? भाई सुन रहे हैं सब? कहाँ चले गए? अच्छा, 140 तक आपको समझ में आ गया है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कोई क्वेश्चन पूछना हो, कुछ डिस्कस करना हो तो कर ले. जी किसी को कुछ पूछना है? नहीं मैम, शायद किसी को नहीं पूछना कुछ. अच्छा मैम, आपने अटेंडेंस ली? जी 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 बोले मैम. 137 का ना सबसेक्शन 1 नहीं समझ आ रहा मैम, एक बार रिपीट कीजिएगा. 137 ठीक है, इसको देख लेते हैं. When leading question must not be asked. इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा के? मैम इसका ये जो मैम सबसेक्शन 1 में जो बात की जा रही है ना, if objected to by the adverse party be asked in cross examination, मैम ये वाली बात नहीं समझ आ रही. वो कह रहा है leading question must not, यानी उनको नहीं पूछना है. If objected by the adverse party, अगर other side की यानी जो adverse party आपकी यानी या defense witness, डिफेंस का जो एडवोकेट है, या देखे ना एग्जामिनेशन चीफ कौन करेगा? जो विटनेस को कॉल करेगा, ठीक है. और एग्जामिनेशन चीफ की हम बात अगर करें कि उसमें लीडिंग क्वेश्चन आपको कब नहीं करने, जब अदर साइड का एडवोकेट आपको ऑब्जेक्ट करेगा और इन एग्जामिनेशन चीफ नहीं करने. वो कह रहा है देखें पूरी लाइन पढ़ते हैं पहले. लीडिंग क्वेश्चन मस्ट नॉट इफ ऑब्जेक्टेड बाय टू द ऑब्जेक्टेड टू बाय द एडवर्स पार्टी be asked in an examination in chief. सबसे पहली बात तो ये examination chief में जो है leading questions की इजाजत नहीं होती. और अगर फिर भी अगर कोई जो prosecutor है वो पूछ लेता है किसी से leading question, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जो prosecution side वाले होते हैं वो देखते हैं यार ये तो witness जो है वो बीच में भूल गया है, मतलब कोई important बात अगर वो statement देते हुए जैसे उसके जो है वो miss हो जाए, उसको बताना भूल जाए, रह जाए मतलब उसकी statement में, फिर वो क्या करते हैं लीडिंग क्वेश्चन की शक्ल में वो उस जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ स्टेटमेंट होता है वो उसको बताते हैं, यानी मुंह में उसके बाद डालते हैं ताकि वो बोले और वो रिकॉर्ड पे आ जाए.
अगर वो ऐसी कोई चीज करता है प्रोसिक्यूशन साइड का बंदा या प्रोसिक्यूटर, तो एग्जामिनेशन चीफ के अंदर अगर वो ऐसी कोई चीज करता है और उसके ऊपर एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्शन नहीं करती, तब तो कोर्ट उसको कहेगी हाँ जी ठीक है चले आपने कर लिया कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो इस तरह की बात करता है और फिर इसी दरमियान में जो डिफेंस काउंसिल है वो उसको कहता है भाई आप लीडिंग क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं अपने, ये तो आपका अपना ही विटनेस है, इसको खुद स्टेटमेंट देनी थी ना, जो भी बात है ये खुद कहेगा, आप उसको क्यों बता रहे हैं, लुकमा क्यों दे रहे हैं बीच में। तो अगर वो ऑब्जेक्शन करते हैं तो कोर्ट फिर उसको स्टॉप करेगी। कोर्ट का काम है कि वो उसको कहे कि नहीं जी आप चीफ के अंदर जो है उससे आप लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। चीफ में कब पूछा जा सकता है, अगर आपकी पार्टी जो, अगर आपकी विटनेस जो है वो होस्टाइल होगा ना तब। अगर वो होस्टाइल नहीं है तो फिर उससे जो है वो लीडिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। अब क्या होता है कि जब प्रोसिक्यूशन साइड अपना चीफ करवा रही होती है, अब वो जो प्रोसिक्यूटर कहता है भाई इसने तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं की, अब इसको कैसे बताएंगे ये जो है स्टेटमेंट में ये चीज आप मिस कर गए हो, और उससे उसको लगता है कि उसका केस बहुत अफेक्टेड हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में वो क्या करते हैं कि फिर उसको लीडिंग क्वेश्चंस करके उसको समझाने की कोशिश करते हैं, हालांकि उनके पास टाइम होता है, वो चाहे तो कोई केस से पहले वो विटनेस को समझा सकते हैं कि भाई आपका ये जो एग्जामिनेशन चीफ हम लेंगे उसमें आपको ये स्टेटमेंट देनी है। लेकिन होता क्या है कि ओल्ड एज के जो लोग होते हैं एज अ विटनेस आते हैं या फिर वाकया बहुत पुराना हो चुका होता है, तो ऐसी सूरत हाल में डिटेल्स जो है दिमाग से ओमिट हो जाती है, तो वो कुछ ना कुछ मिसिंग हो जाता है। ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन साइड का जो एडवोकेट या प्रोसिक्यूटर होता है वो कोशिश करता है कि केस खराब ना हो और वो उसको बताने की कोशिश करता है। अगर इसमें डिफेंस काउंसिल उसको ऑब्जेक्ट नहीं करता तो इट्स ओके, लेकिन जब कभी भी डिफेंस काउंसिल उसको ऑब्जेक्ट करेगा तो कोर्ट को उसको स्टॉप करना है प्रोसिक्यूटर को कि भाई आप लीडिंग क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं इससे। अब आई समझ में बात, इसका मतलब ये है? यस मैम समझ आ गया, थैंक यू मैम। अच्छा, और ये वो कह रहे हैं कि री एग्जामिनेशन में भी यही पोजीशन होगी। अब री एग्जामिनेशन पहली बात तो हुआ यूं है कि वो कुछ रह गया उसकी विटनेस ने जो है अपना जो एग्जामिनेशन दिया था चीफ, उसमें कुछ ना कुछ उसने छोड़ दिया बताना रह गया है उससे, तभी री एग्जामिनेशन के लिए उसको बुलाया जाएगा। अब उसमें भी अगर वो फिर दोबारा इम्पोर्टेंट बात कहना भूल रहा है तब भी उसमें यही पोजिशन होगी कि उसको अलाउ नहीं करेगी कोर्ट। अगर हाँ एडवर्स पार्टी उसको ऑब्जेक्ट नहीं करती तो फिर वो कर सकता है। ठीक है मैम जी, अगर किसी और को कुछ पूछना हो तो पूछ लें। मैम जो 140 आर्टिकल पढ़ा ना हमने, उसका जो लेटर पार्ट है उसको थोड़ा रिपीट कर दें। अच्छा, 140 जो आर्टिकल है हमारा वो बात कर रहा है लिखित में कोई स्टेटमेंट है अगर उसकी, अगर कोई शख्स अपनी स्टेटमेंट, जैसे क्रिमिनल केसेस में तो ऐसा होता है कि जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं आईओ क्या करता है कि स्टेटमेंट जो भी कोई कह रहा होता है वो लिखता जाता है, उसको फिर साइन करवा लेता है या फिर नहीं करवाता साइन। 161 साइन नहीं होती, 162 पे साइन लिए जाते हैं। तो उसके अंदर जो है वो उसकी बात कर रहे हैं। अगर किसी ने जो है वो लेटर पार्ट कहाँ से किस जगह से आप कह रहे हैं, मैं वहां से पढ़ लेती हूँ। मैम ये जो when it is intended to contradict him by that writing। हाँ ना, when it is intended to contradict मतलब कि जब आप ये चाहते हैं कि क्योंकि इस शख्स ने जो पहले स्टेटमेंट लिखित में जमा कराई थी, अब जाहिर है उसकी कॉपी मौजूद होगी दोनों के पास, किस किस के पास, प्रोसिक्यूशन साइड के पास भी होगी और जो है वो डिफेंस काउंसिल के पास भी होगी, दोनों के पास वो कॉपी मौजूद होगी। अब वो आया बंदा और अपनी ही स्टेटमेंट दोबारा दोहरा रहा है। अब जो बैठे हुए हैं, जो हमारे पास दोनों बैठे हुए वकील साहबान, यानी कि एक तो हो गया जो कि प्रोसिक्यूटर हो गया और दूसरा हो गया कौन, डिफेंस काउंसिल, दोनों उसको पढ़ रहे होते हैं, वो कह रहा होता है, उसको देख रहे होते हैं, मैच कर रहे होते हैं उसको। तो जो डिफेंस काउंसिल है वो उसकी स्टेटमेंट होने देगा, वो बीच में उसको टोकेगा नहीं, लेकिन फिर प्रोसिक्यूटर कोशिश करता है कि इसको जो जो हिस्से ये बीच में मिस कर रहा है इसको बता दिए जाए, लेकिन अगर वो उसमें कुछ गलतियां थी और उसको इम्प्रूवमेंट करके वो कुछ कर रहा है तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि जो डिफेंस काउंसिल है, अब उसकी स्टेटमेंट खत्म हो गई, उसने जो कहना था कह दिया, खत्म हो गई बात, क्रॉस शुरू हो गया। क्रॉस के अंदर वो क्या करेगा कि जो स्टेटमेंट उसने लिखित में जमा कराएगी उठाएगा और वो उसको दिखाएगा कि देखें भाई आपने पहले ये बात की थी, अब आपने ये बात की है, पहले आपने ये बात की थी, यहाँ ये लिखा है, फिर आपने ये कहा है, ये लिखा है, ये कंट्राडिक्ट करेगा उसको इस तरह से।
और वो उससे एडमिट करवाता जाएगा, और ये चीज क्या होगी कि ये उस केस को यानी कि डिफेंस के हक में जो है वो उसको कमजोर करेगी, वीकेंड करेगी, यानी उसकी लिखित वाली जो स्टेटमेंट है उसको कंट्राडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, समझ आया या कुछ रह गया? यस मैम, सही है। अच्छा, और किसी को कोई क्वेश्चन करना हो पूछ लें। समझ में आ गया सबको? इंशाल्लाह फिर कल जो है हम 141 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अभी हमारी क्लास का टाइम जो है वो खत्म होने जा रहा है, तो अटेंडेंस ले लिया आपने परवेज? यस मैम। चलें ठीक है। अच्छा, अगर कुछ नहीं पूछना तो फिर खत्म कर लेते हैं हम क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज़।